अगर आपने अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशन की पूरी तरह से वाट लगा दी है, आपके पार्टनर ने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, कोई भी ऐसा रास्ता आपके पास बचा नहीं है कि आप दोनों बात कर सके, एंड आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो, आप चाहते हो कि वो आपसे बात करें, कुछ चीज़ें आगे बढ़े, पर रास्ता कुछ नहीं बचा, तो अब क्या चीज़ है आप कर सकते हो? अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें मैक्सिमम 48 आवर्स में पॉसिबल है कि आपका पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करे। ये जो ट्रिक है स्पेशली मैसेज के लिए है। इससे पहले मैं आपको हमारे एक व्यूअर का स्क्रीनशॉट बताना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड किया था। ओके, तो उन्होंने लिखा है कि सर तुमने जो ट्रिक तरीके बताए थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले, 10 मिनट एकदम ध्यान से कि सच में मैसेज आया जो सोचा था एग्जैक्टली वही। ठीक है, एक साल पहले इसी ट्रिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बताया था और ये भाई साहब ने वही वीडियो को एग्जैक्टली फॉलो किया और उनको रिजल्ट एकदम परफेक्ट मिला। तो उन्होंने मुझे थैंक्स बोलने के लिए मैसेज किया। पर लोप अट्रैक्शन के ऊपर मैं इतनी कम वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि लोप अट्रैक्शन 100% वर्क करता है एंड रिलेशनशिप में तो बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है, लेकिन जब तक आपकी रियल लाइफ में ये एक्सपीरियंस नहीं होगे, लोगों के लिए इसके ऊपर ट्रस्ट करना, बिलीव करना मुश्किल है। एंड अगर आपको लोप अट्रैक्शन के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है तो ये चीज़ें डेफिनेटली आपके साथ वर्क नहीं करेंगी। तो मैं साइकोलॉजिकल तरीके इसलिए आपको बताता हूँ ताकि आप उनसे रिलेट कर सके, आपको दिखता है कि भाई ये करने से ये फर्क पड़ता है, आप समझ सकते हो। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्पिरिचुअल चीज़ें मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन होती है, लोगों को लगता है कि ऐसे कैसे। लेकिन पहले मैंने आपके साथ ये स्क्रीनशॉट शेयर किया ताकि आपको लगे कि नहीं, ये भी रियल में चीज़ें हो सकती अगर हम ट्राई करें। एंड आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, आपने वाट तो लगा दी है, अब आपके पास ये तरीका है तो ऑफकोर्स आपको इसको ट्राई करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोप अट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, इसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी है कि वो होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ये मान लो कि आपको कटरीना कैफ के साथ बात करनी है, ठीक है, कि वो आपको मिस करने लगे, तो ये नहीं होगा क्योंकि लोप अट्रैक्शन में ना बॉन्डिंग होना ज़रूरी है, स्पेशली रिलेशनशिप वाले केस में। अगर आप किसी लड़के के साथ 2 दिन से बात करते हैं, कहीं पर देखा था, और आप उनके बारे में सोचते हो, तो ये चीज़ भी होती है लेकिन इतनी इजीली नहीं होती जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। किसी के साथ दोस्ती अच्छा बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आसान करते हैं। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ कि ना इसमें आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या बातचीत करनी है, आपको क्या रिजल्ट चाहिए, ठीक है, कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, रिजल्ट क्या चाहिए, वो भी एकदम परफेक्ट क्लियर होना चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एंड तीसरी चीज़ जो प्रोसेस तुम फॉलो करोगे, मैनिफेस्ट करेंगे, उसमें भी एकदम क्लियर होना चाहिए। कैसे क्लियर, कि वो कौन पर्सन है, क्या कर रहा है, कैसे उन्होंने आपके साथ बातचीत की, एकदम वो पिक्चर आपके माइंड में प्ले होना चाहिए और वो आपको फील भी होना चाहिए। अगर आप ऐसा मैनिफेस्ट करते हो कि वो पर्सन अभी आपको कॉल कर रहा है, जब आप मैनिफेस्ट कर रहे होते ना कि आप उनके साथ कॉल पर बात करें, तो एग्जैक्टली आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में वही फील होना चाहिए जब रियल में आप दोनों बात करते होते हैं। ठीक है, वो वाले अगर आप फीलिंग ला सकते हो, आप वो फील कर सकते हो, तो डेफिनेटली लोप अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा। ओके, तो अब आप रेडी हो जाए, कोई ऐसी जगह ढूंढ लीजिए जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, हेडफोन लगा दीजिए, हेडफोन आप पहन सकते हो ताकि अच्छी तरह से इस मेडिटेशन को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। किस तरह से आपको करना है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अब आप अपनी आँखों को बंद कर लीजिए, शांति से बैठ जाइए, ऐसी जगह फाइंड कर लीजिए, अगर नहीं की तो वीडियो को पॉज करें और उसके बाद अच्छी जगह पर पहुंच जाइए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अब आपने आंखें बंद कर ली तो अपने बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दीजिए, पूरी तरह से अपने बॉडी को आप रिलैक्स कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। अब एक धीरे धीरे गहरी सांस भरिए, एक सांस ऊपर की तरफ भरिए, ठीक है। अब सांस पूरी तरह से भरने के बाद धीरे धीरे उस सांस को रिलीज कर दीजिए। अगर आप चाहते हो तो दूसरी बार भी इसी तरह से सांस ले सकते हो, एक सांस वापस से ऊपर लीजिए और फिर से उनको धीरे से रिलीज कर दीजिए। अब उस व्यक्ति के चेहरे को देखने की कोशिश करो जो आपका पार्टनर है, जिनके साथ आप बात करना चाहते हो, उनके चेहरे को देखो, आप उनके फेस को देख रहे हैं, वो पर्सन धीमी धीमी सी स्माइल कर रहा है। अब उनके बालों को देखने की कोशिश करिए, वापस से उनके चेहरे को, उनकी आँखों को देखिए, वो धीमी धीमी स्माइल कर रहा है। अब देखिए कि उन्होंने कौन से कलर के और कैसे कपड़े पहने हैं, उनको ऑब्जर्व करिए,
अब आप ऑब्जर्व करिए कि वो पर्सन कौन सी जगह पर है, क्या गार्डन पे है, क्या अपने घर पे है। आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो जो आपके मन में तस्वीर बन रही है। अब देखिए वो पर्सन फ्री है, कुछ काम में है, बैठा है या खड़ा है, क्या कर रहा है एग्जैक्टली वो पर्सन। अब देखिए कि वो पर्सन मन ही मन कुछ सोच रहा है, शायद आपके बारे में सोच रहा है, वो दुखी भी है फिर भी आपके बारे में सोचकर उनको अच्छा महसूस हो रहा है। अब देखने की कोशिश करिए कि वो पर्सन अपना फ़ोन हाथ में लेता है, अपने फ़ोन में स्क्रीन को अनलॉक करता है। अब आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए कि वो आपके नेम को फाइंड करता है, वो आपको कौन सी ऐप में मैसेज करते हैं वो भी देखने की कोशिश करिए, क्या वो व्हाट्सएप पे ऑन हो रहे हैं, क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेक्स्ट मैसेज, कहाँ पर वो आपका नाम फाइंड करें, एकदम क्लियर आपको दिखना चाहिए। ये भी आपको दिखना चाहिए कि उनके फ़ोन में किस नाम से आपका नंबर सेव है, एकदम देखिए उनकी फ़ोन की स्क्रीन आपकी नज़र के सामने होनी चाहिए। ओके, अब कोई नॉर्मल सी बात के बारे में सोचिए कि वो आपको क्या टेक्स्ट करेंगे। कोई बड़ी बात बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करिए, नॉर्मली करिए। अगर आपका नाम राहुल है तो करिए कि राहुल हाय हाउ आर यू, वो आपको ऐसे टेक्स्ट कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे लिखा, उसके बाद एग्जैक्टली अब उन्होंने अपनी उंगली से सेंड बटन पे प्रेस कर दिया। अब आप मैनिफेस्ट करिए कि आप किसी एक शांत जगह पर बैठे हो, उनके बारे में सोच रहे हो, आप भी थोड़ा थोड़ा हंस रहे हो, थोड़ा दुखी भी हो, आपका फ़ोन आपकी बगल में पड़ा है। अब आपके फ़ोन में मैसेज टोन बज रहा है, जब आप अपने फ़ोन की ओर देखते हो तो एक नोटिफिकेशन आती है आपके फ़ोन में, उस पर्सन का नंबर जिस नाम से सेव है आपको डिस्प्ले पे वो नाम दिखाई देता है। आप ज़्यादा स्माइल करते हो, उस मैसेज को अनब्लॉक करते हो, रीड करते हो और एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड आप उस लाइन को फिर से पढ़ोगे जो वो उस पर्सन ने टाइप किया था, हाय राहुल हाउ आर यू। एंड अगेन आप उस मैसेज को पढ़ के खुश होते हैं एंड आप उनको जो अपनी इतनी तरह से मैसेज का रिप्लाई देना चाहते हो कि आप ठीक हो, उनको पूछ सकते हो कि आप कैसे हो, उस तरह से वापस से अपनी बात स्टार्ट कर सकते हो। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हो क्योंकि आपने ये कम्प्लीटली मैनिफेस्ट किया है और एग्जैक्टली आपको यही प्रोसेस को फॉलो करनी होती है। आप दोनों के अंदर बहुत अच्छा बॉन्ड है, आप अच्छी तरह से मैनिफेस्ट करते हो तो ये काफ़ी हद तक आपके काम को क्लियर कर देगा। जो आप दोनों के बीच में दूरी बन गई है वो बातचीत स्टार्ट करने में आपको हेल्प करेगा। पर आपको पता ही नहीं कि मैनिफेस्टेशन में पहले आप वो सोचते हो फिर वो करते हो, आपको एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या चाहिए, किस पर्सन के साथ से आपको चीज़ आगे बढ़ानी है, या आप दोनों का कोई बॉन्ड ही नहीं है तो हो सकता है कि आप ये ना कर पाओ। बेस्ट रहेगा कि आप अपने सूटेबल टाइम में यानी कि जल्दी मॉर्निंग में करें या लेट नाइट में करें ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस और ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।